स्मार्ट वॉचेस आजकल काफी ज्यादा फेमस है और काफी ज्यादा डिमांड में भी है, और नॉर्मल वॉचेस तो आजकल कोई देखता भी नहीं है। तो इसलिए आज की वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, बिकॉज अगर आप लोगों के पास काफी ज्यादा पैसा है और उसमें से 5,000 आप स्पेंड करना चाहते हो स्मार्ट वॉच लेने के लिए, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को 5 ऐसी बेस्ट स्मार्ट वॉचेस बताऊंगा जो आती है 5,000 के अंडर। ये जो पांचों रैंकिंग पे जो मैंने स्मार्ट वॉचेस रखी हैं, ये आपकी प्रेफरेंस के हिसाब से अलग हो सकती है, बिकॉज मैंने अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से और एक थोड़ा सा दिमाग लगाया कि मतलब जो आइडियल पर्सन है उसकी क्या क्या डिमांड हो सकती है, उसकी क्या क्या प्रेफरेंस हो सकती है, तो उसके हिसाब से मैंने रैंकिंग सेट करी है। आप लोगों के हिसाब से, आप लोगों की प्रेफरेंस के हिसाब से, डिमांड के हिसाब से ये जो रैंकिंग है ये ऊपर नीचे ज़रूर हो सकती है। और अगर आपको लगे कि कोई स्मार्ट वॉच ऐसी है जो मैंने ये टॉप 5 में इंक्लूड नहीं करी है, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, ताकि और जो लोग कमेंट पढ़े उनके लिए भी हेल्प हो जाए और वो जो स्मार्ट वॉच है वो उसके लिए भी कंसिडर कर सकते हैं। ये सारी स्मार्ट वॉचेज में से कोई भी स्मार्ट वॉच किसी को भी पसंद आ सकती है, तो इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखना। तो फटाफट अब अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, आप लोगों को बताइए कि ये वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल का कंटेंट पसंद आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी छोटी सी जो फैमिली है उसके अंदर ज़रूर शामिल हो जाना। अपनी लिस्ट में जो पांचवें नंबर पे आती है स्मार्ट वॉच, वो है Amazfit की तरफ से BPU Pro। ये स्मार्ट वॉच थोड़ी सी पुरानी है और थोड़ी सी आउटडेटेड भी लगती है, बट इसको मैंने टॉप 5 में क्यों रखा है उसका मैं रीजन बताता हूँ। एक तो इसमें बिल्ट इन एलेक्सा है और बिल्ट इन GPS देखने को मिलता है, जिसकी वजह से इसकी जो एक्यूरेसी है, लाइक जो स्टेप्स काउंट होंगे, इसके अलावा जो एक्टिविटीज करोगे आप, उसमें जो डेटा कलेक्ट होगा, उसकी जो एक्यूरेसी है वो काफी तगड़ी आती है, बिकॉज इसमें इनबिल्ट GPS है। इसके अलावा जो इसकी जो डिस्प्ले साइज है वो है 1.43 इंचेस, जो कि आती है LCD डिस्प्ले। तो ये जो अगर आप डिस्प्ले की तरफ भी देखोगे ना, इसमें बेजल्स थोड़े से मोटे लगते हैं, इसी वजह से ये आउटडेटेड से लगती है। इसका डिज़ाइन भी थोड़ा सा आउटडेटेड लगता है, बट ये आपको 5,000 रुपये की देखने को मिलती है, कभी कभार सेल में 4,000 रुपये की देखने को मिलती है। तो जिन लोगों को इसकी जो एक्यूरेसी है वो ज़्यादा पसंद है, मतलब इसमें 60 प्लस स्पोर्ट्स मोड देखने को मिलते हैं, तो जिनको स्पोर्ट्स मोड ज़्यादा चाहिए और साथ में जिनको एक्यूरेसी तगड़ी चाहिए, वो इस जो वॉच है इसकी तरफ देख सकते हैं। फोर्थ नंबर पे दो स्मार्ट वॉचेस देखने को मिलती है, जिन दोनों में ऑलमोस्ट सिमिलर से फीचर्स हैं, बट इसमें भी एक छोटा सा ट्विस्ट है, वो मैं आगे जाके बताऊंगा। इसमें जो पहली स्मार्ट वॉच है वो है Redmi Watch 2 Lite, ये आपको 4,500 रुपए की देखने को मिलती है। इस स्मार्ट वॉच में आपको 1.55 इंच की LCD डिस्प्ले देखने को मिलती है, बट इसमें भी आपको इनबिल्ट GPS देखने को मिलता है, और इसके साथ आपको 100 प्लस स्पोर्ट्स मोड देखने को मिलते हैं, तो आपके स्पोर्ट्स मोड तो काफी अच्छे हैं और इसमें एक्यूरेसी भी अच्छी रहने वाली है। इसके अलावा आपको 120 प्लस डिफरेंट वॉच फेसेस देखने को मिलते हैं, और इसके अलावा Redmi की ये वाली वॉच में आपको सारे ही सेंसर, लाइक स्ट्रेस मॉनिटरिंग, स्लीप मॉनिटरिंग, HR सेंसर, SPO2 सब सेंसर देखने को मिलते हैं। इसके अलावा विमेन हेल्थ से भी रिलेटेड कुछ ना कुछ फीचर्स आपको इसमें देखने को मिल जाते हैं, और सबसे बढ़िया चीज, इसमें आपको 5 ATM की वाटर रेजिस्टेंट की रेटिंग देखने को मिलती है, तो इसको पहन के आप आराम से स्विमिंग वगैरह कर सकते हो। इसके बाद फोर्थ नंबर की जो सेकंड स्मार्ट वॉच है वो है Realme Watch 2 Pro। इसमें भी ऑलमोस्ट सिमिलर से फीचर्स आपको देखने को मिलते हैं, बट इसमें जो डिस्प्ले है वो थोड़ी सी बड़ी देखने को मिलती है, दैट इज 1.75 इंचेस की LCD डिस्प्ले। इसके अलावा 100 प्लस वॉच फेसेस, 90 प्लस स्पोर्ट्स मोड, ये सब कुछ आपको इसमें भी देखने को मिल जाता है। इसके अलावा इसकी जो वाटर रेजिस्टेंट की रेटिंग है वो है IP68। इसका जो नॉर्मल प्राइस है वो है 5,000 रुपए, और सेल वगैरह में 500 या फिर 1,000 रुपए इसका कम होता रहता है। बट हियर इज द ट्विस्ट, Realme Watch 2 Pro की एक कार्बन कॉपी है, दैट इज Dizo Watch Pro। इन दोनों में बिल्कुल सिमिलर क्या, बिल्कुल सेम फीचर्स आपको देखने को मिलते हैं। इनफैक्ट जो डिस्प्ले साइज है, डिस्प्ले क्वालिटी है, वो भी बिल्कुल सेम देखने को मिलती है, दैट इज 1.75 इंचेस। मतलब ये जो Dizo Watch Pro है ये आपको 3800 रुपये की देखने को मिलती है, तो अब 3800 रुपये में आपको सेम चीज़ें देखने को मिल रही है, तो Realme Watch 2 Pro जो है वो आपको 5,000 रुपये की देखने को मिलती है, तो वो कौन ही लेगा। वैसे ये Realme और जो Dizo है ये थोड़ी बहुत कंफ्यूजन क्रिएट करते रहते हैं, और आपको पता ही है कि ये दोनों जो ब्रांड्स है ये आपस में मतलब भाई बहन वगैरह ही हैं। तो अगर आप Redmi के फैन हो तो Redmi Watch 2 Lite जो है वो वाली स्मार्ट वॉच ले सकते हो, और अगर आप Realme के फैन हो तो ये Dizo वाली ज़्यादा प्रेफर करूंगा मैं। अब आते हैं टॉप 3 स्मार्ट वॉचेज पे। जो थर्ड नंबर पे स्मार्ट वॉचेज हैं, जी हाँ दोस्तों, इस पे भी दो स्मार्ट वॉचेज हैं, एक तो है Firebolt Thunder। तो जिन लोगों को सर्कुलर डायल पसंद है ना, उनके लिए ये स्मार्ट वॉच काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगी उन लोगों को, और इसमें आपको काफ़ी सारे फीचर्स देखने को मिलते हैं। दिस वॉच हैज 1.32 इंचेस AMOLED डिस्प्ले, और इसकी AMOLED डिस्प्ले इतनी सही है, इतने पंची कलर्स देखने को मिलते हैं, और इसका अगर आप ओवरऑल लुक देखोगे तो बहुत ही सही लगता है देखने में। इसके अलावा इसमें एक और बढ़िया चीज़ है, इसमें आपको बिल्ट इन गेम्स देखने को मिलती है, तो इसमें आप टाइम पास के लिए वो गेम्स वगैरह खेल सकते हो। Firebolt Thunder में आपको एक तगड़ा फीचर देखने को मिलता है, दैट इज कॉलिंग का फीचर। जी हाँ दोस्तों, इसमें आपको AMOLED डिस्प्ले के साथ साथ कॉलिंग का फीचर, वो भी 5,000 रुपये के अंडर।
ऐसी कम ही स्मार्ट वॉचेज है जिसके अंदर ये दोनों फीचर्स आपको साथ में देखने को मिलते हैं, वो भी 5000 रुपए के अंडर। बट गाइज मैं आपको अपना रियल एक्सपीरियंस बताऊं, बिकॉज मैंने इसको यूज करा है, मेरे फ्रेंड के पास है, तो मैंने एक आधा दिन यूज करा था। बट इसकी जो क्वालिटी है, मतलब माइक की क्वालिटी और स्पीकर की क्वालिटी, वो मुझे इतनी ज्यादा पसंद नहीं आई। मतलब एवरेज टाइप की क्वालिटी है, इतनी ज्यादा मतलब आपको अच्छी भी नहीं लगेगी। बट इसमें आपको एक चीज़ और देखने को मिलती है, इसमें आप म्यूज़िक स्टोर कर सकते हो। मतलब आप सिर्फ TWS जो है वो आप डायरेक्ट इससे स्मार्ट वॉच से कनेक्ट करोगे, आपको फ़ोन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आप गाने वाने आराम से सुन सकते हो। इसमें आपको 10 दिन की बैटरी लाइफ देखने को मिलती है और इसकी जो वाटर रेजिस्टेंस की रेटिंग है वो है IP68। बट मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, इसका जो एक्सपीरियंस है, मतलब UI एक्सपीरियंस काफ़ी स्मूथ है और काफ़ी बढ़िया चलता है। तो अगर आप एक राउंड डायल की स्मार्ट वॉचेस, वो भी AMOLED डिस्प्ले के साथ, साथ में कॉलिंग का फीचर, अगर वो चीज़ देख रहे हो तो आप इसकी तरफ ज़रूर देख सकते हो। इसके अलावा जो सेकंड स्मार्ट वॉच आती है, वो भी थर्ड नंबर पे, वो आती है फायरबोल्ट की तरफ से ही, इसकी मैक्स। देखो जिनको सर्कुलर डायल वाली स्मार्ट वॉच पसंद है उनके लिए तो हो गई फायरबोल्ट थंडर, और जिनको जो स्क्वायर डायल वाली मतलब एप्पल वॉच वाली जो फील चाहिए अगर वो पसंद है तो इनके लिए हो गई है फायरबोल्ट मैक्स, बिकॉज इसमें आपको 1.78 इंचेस की AMOLED डिस्प्ले देखने को मिलती है। जी हाँ दोस्तों, काफी बड़ी डिस्प्ले है और इसके साथ AMOLED डिस्प्ले भी है। और इसके अलावा इसमें आपको 10 डेज का बैटरी लाइफ देखने को मिलता है, बाकी जो फीचर्स है वो ऑलमोस्ट सेम है। बस इसमें जो IP68 रेटिंग है वो आपको इसमें देखने को नहीं मिलती, इसके अलावा आपको 3 ATM की वाटर रेजिस्टेंस की रेटिंग देखने को मिलती है। फायरबोल्ट मैक्स सिर्फ दो चीज़ों में मार खाती है, एक तो है इसमें स्पोर्ट्स मोड, इसमें सिर्फ आपको 12 स्पोर्ट्स मोड देखने को मिलते हैं, तो अगर आपको स्पोर्ट्स मोड थोड़े से ज़्यादा चाहिए तो आप इसको कंसिडर बिल्कुल मत करना। इसके अलावा इसकी जो एप्लीकेशन है वो बिलो एवरेज है, मतलब बिल्कुल पसंद नहीं आई मुझे। और फायरबोल्ट वालों को सिर्फ एक चीज़, मतलब एक सजेशन देना चाहूँगा कि हर मतलब जो स्मार्ट वॉच है उसके लिए एक नई एप्लीकेशन लाने की कोई ज़रूरत नहीं है, हर स्मार्ट वॉच के लिए सिर्फ एक सिंगल एप्लीकेशन रखोगे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। सेकंड नंबर और फर्स्ट नंबर की जो स्मार्ट वॉचेज हैं वो दोनों ही बहुत ही मस्त स्मार्ट वॉचेज हैं और दोनों में से आप कोई भी ले सकते हो, सिर्फ ये डिपेंड करता है आपके प्रेफरेंस क्या है। और ये दोनों स्मार्ट वॉचेज बताने के बाद एक स्मार्ट वॉच और मैं बताऊंगा, जो मैं चाहता हूं कि भाई आप लोग उस पर भी एक नजर बना के रखो, क्योंकि वो भी बहुत तगड़ी स्मार्ट वॉच है। सो मेरे हिसाब से जो सेकंड नंबर पे स्मार्ट वॉच आती है वो है डीजो वॉच आर। ये आपको सर्कुलर डायल की स्मार्ट वॉच देखने को मिलती है और इसमें भी आपको AMOLED डिस्प्ले देखने को मिलती है, और इसका जो डिज़ाइन है और जो लुक है वो बहुत ही तगड़ी है। मतलब इसकी अगर आप बिल्ड क्वालिटी भी देखोगे ना, इसमें आपको मेटेलिक बिल्ड क्वालिटी देखने को मिलती है, तो मतलब एकदम प्रीमियम फील आता है। और इस स्मार्ट वॉच में आपको बहुत ही सही फीचर देखने को मिलते हैं। डीजो वॉच आर में आपको 1.3 इंचेस की AMOLED डिस्प्ले देखने को मिलती है और इसकी जो डिस्प्ले है वो बहुत ही सही है, इसमें आपको बिल्कुल पंची कलर्स देखने को मिलते हैं और इसकी जो ब्राइटनेस है वो भी तगड़ी है। मतलब अगर आप आउटसाइड भी जाओगे ना तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली। इसके अलावा इसमें 150+ वॉच फेसेस देखने को मिलते हैं, जी हाँ दोस्तों काफ़ी सारे वॉच फेसेस हैं। इसके अलावा 110+ स्पोर्ट्स मोड देखने को मिलते हैं, मतलब स्पोर्ट्स मोड में भी कोई कमी नहीं है। इसके अलावा इसमें आपको 5 ATM की वाटर रेजिस्टेंस की रेटिंग देखने को मिलती है, मतलब कि इसको पहन के आप आराम से स्विमिंग वगैरह कर सकते हो। और इसमें 12 दिन की बैटरी लाइफ के साथ साथ सारे ही सेंसर आपको देखने को मिलते हैं। इसके अलावा वुमेन हेल्थ ट्रैकर भी आपको इसमें देखने को मिलता है, तो ये एक ओवरऑल पैकेज है। और अगर आपको सर्कुलर डायल पसंद है ना तो भाई इसके लिए जा सकते हो, ये आपको 3800 रुपये की इस टाइम पे दिखा रहा है, बट इसमें सेल वगैरह में और भी कम हो सकते हैं प्राइसेस, बट इस प्राइस के हिसाब से ये बहुत ही सही, बहुत ही वैल्यू फॉर मनी स्मार्ट वॉच है। नाउ आज की वीडियो की फर्स्ट नंबर की स्मार्ट वॉच है स्क्वायर डायल में सबका पापा नॉइज कलरफिट Ultra 2। जी हाँ दोस्तों, ये स्मार्ट वॉच मैं खुद परचेज करी है और खुद यूज़ कर रहा हूँ, अपने लिए यूज़ कर रहा हूँ, तो ये स्मार्ट वॉच का मैं आपको पूरा एक्सपीरियंस बता सकता हूँ कि भाई कैसी स्मार्ट वॉच है, क्यों मैंने इसको फर्स्ट नंबर पे रखा है। नॉइस की ये स्मार्ट वॉच में आपको 1.78 इंचेस की AMOLED डिस्प्ले देखने को मिलती है, और इसके अलावा इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है, इसकी जो लुक्स है वो इतनी ज़्यादा प्रीमियम है ना, मतलब जैसे डीजो वॉच आर में आपको सब कुछ प्रीमियम देखने को मिलता है, वैसे ही इसमें भी आपको सब कुछ प्रीमियम देखने को मिलता है। मेटेलिक डिज़ाइन देखने को मिलता है, AMOLED डिस्प्ले, AOD का फीचर, रेज टू वेक का फीचर, मतलब सब कुछ आपको देखने को मिलता है। इसके अलावा इसमें आपको 60+ स्पोर्ट्स मोड देखने को मिलते हैं, और ये सारे फीचर्स आपको देखने को मिल जाते हैं। इसके अलावा भी कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स भी देखने को मिलते हैं, लाइक स्टॉक्स। एज अ इन्वेस्ट इन स्टॉक मार्केट तो मुझे ये फीचर काफ़ी बढ़िया लगा, और ऐसा जो फीचर है वो किसी भी ब्रांड में आपको देखने को नहीं मिलता। इसके अलावा इसमें आपको कैलकुलेटर देखने को मिलता है और फ्लैश लाइट वगैरह फीचर देखने को मिलते हैं। एक तो ये रीज़न था, मतलब मेरे को फर्स्ट नंबर पर रखने का ये रीज़न था, एक ये इसमें एक्स्ट्रा फीचर देखने को मिलते हैं। इसके अलावा इसमें आपको स्क्वायर डायल देखने को मिलता है, जो कि मेरी प्रेफरेंस है, तो इसलिए मैंने इसको फर्स्ट नंबर पे रखा है। अच्छा हाँ, इसमें एक कमी लगी मुझे, अगर इसमें इनबिल्ट GPS होता ना तो इसकी जो एक्यूरेसी है वो और तगड़ी हो सकती थी। अभी भी काफ़ी अच्छी एक्यूरेसी है, बट अगर GPS होता तो और तगड़ी हो सकती थी। तो ओवरऑल ये भी एक कंप्लीट पैकेज है, जैसे कि डीजो वॉच आर अगर आपकी प्रेफरेंस है राउंड डायल तो आप डीजो वॉच आर के लिए जा सकते हो, अगर आपकी जो है स्क्वायर डायल प्रेफरेंस है तो आप नॉइज कलरफिट Ultra 2 को आंख बंद करके ले सकते हो, अगर ये 4500 रुपये में मिलती है तो। अब आते हैं आज की बोनस स्मार्ट वॉच
वॉच के ऊपर, ये है Amazfit GTS 2 mini का न्यू वर्जन। जी हाँ दोस्तों, अगर ये स्मार्ट वॉच मुझे पहले दिख जाती ना और अगर सस्ते रेट में दिख जाती तो मैं इसको ज़रूर परचेज़ करता नॉइज़ कैंसलेशन फिट अल्ट्रा 2 के भी ऊपर, बिकॉज इसके अंदर आपको बहुत सारे फीचर देखने को मिलते हैं। और इसका मैं पहले प्राइस बता दूँ कि इसका जो प्राइस है, जो करंट प्राइस है, वो है 6,000 रुपये, बट इसको मैंने सेल वगैरह में कई बार इसको मैंने 5,000 रुपये के अंडर देखा है। जी हाँ दोस्तों, 5,000 रुपये के अंडर ऐसी स्मार्ट वॉच आपको मिलना बहुत मुश्किल है, बिकॉज इसमें आपको एकदम कमाल की एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलती है। इसके अलावा इनबिल्ट जीपीएस, इनबिल्ट एलेक्सा और इसके अलावा 68 स्पोर्ट्स मोड देखने को मिलते हैं। और Amazfit की आपको एक्यूरेसी तो पता ही है, और इसमें जीपीएस हो तो और तगड़ी एक्यूरेसी हो जाती है, तो एक्यूरेसी के मामले में टॉप नॉच है। इसके अलावा आपको AOD के जो वॉच पीसेस है वो भी काफ़ी सारे देखने को मिलते हैं। आई थिंक कोई भी ब्रांड इतने सारे वॉच पीसेस नहीं देता है। Amazfit GTS 2 mini का जो न्यू वर्जन है, इसका जो UI है एकदम मक्खन है, और इसमें आपको काफ़ी सारे फीचर्स, मतलब सारे ही फीचर देखने को मिलते हैं। और इसमें आपको, मतलब ये ओवरऑल पैकेज है, अगर आपको 5,000 रुपये के अंडर देखने को मिलती है तो भाई इसको आंख बंद करके परचेज कर लेना। अगर मेरे पास अपॉर्चुनिटी होती ना ये वाली परचेज करने की, मेरे टाइम पे जब मैंने परचेज करनी थी तो इस टाइम पे ये 5,000 रुपये के अंडर होती तो ज़रूर मैं इसको परचेज करता। तो इसलिए मैं आपको बताना चाहता था कि भाई इस पे भी एक बार नज़र ज़रूर रखना अपनी। सो दैट्स इट, ये थी अपनी टॉप 5 स्मार्ट वॉचेज जो आती है 5,000 रुपये के अंडर। इनमें से कौन सी स्मार्ट वॉच आपने परचेज करनी है नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अगर कोई भी स्मार्ट वॉच परचेज करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में सबके ही लिंक्स आपको देखने को मिल जाएंगे, वहां से जाके आप डायरेक्ट इसको परचेज कर सकते हो, ढूंढने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये थी वीडियो आज की। अगर आपको कोई भी स्मार्ट वॉच लगा कि मैं भूल गया हूं, वो भी नीचे कमेंट सेक्शन में बता देना, ताकि और लोगों की भी हेल्प हो जाए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, अपने सारे दोस्तों के साथ जरूर इस वीडियो को शेयर करना, बिकॉज उनको भी परचेज करनी पड़ सकती है। अगर उनको परचेज करनी है, अगर वो पूछें, तो ये वीडियो सीधा के सीधा शेयर कर देना। और अगर आपको हमारे चैनल का कंटेंट पसंद आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी छोटी सी फैमिली है उसके अंदर जरूर शामिल हो जाना। मिलता हूं आपसे एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। टिल देन कीप गेटिंग इंटरेस्टिंग वीडियोस एफर्टलेसली।